प्रविष्ट, वेलकम ऑन E24। हाय शुभ्रा, थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। क्वारंटाइन, लॉकडाउन में है, क्वारंटाइन में हम सब फंसे हैं एंड ट्राइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर गेटिंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आप लोग काम कुछ कर पा रहे हैं। सैडली मैं कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि आई डू समथिंग और दी अदर विच इज प्रोडक्टिव फॉर मी। आगे जाके कुछ तो रहे कि हाँ, इस एक महीने में, इस 1.5 महीने में मैं ऐसा कुछ किया जो मुझे लाइफ में आगे काम आए। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेट। वैसे लॉकडाउन के पीरियड में कहाँ है आप, और किस तरह से डे रूटीन, अगर थोड़ा ब्रीफली, अगर हमारे साथ, अपनी फैंस के साथ, व्यूवर्स के साथ आप अगर शेयर करें। तो लॉकडाउन में मैं अपने घर पे हूँ और घर पे ही लॉकडाउन हूँ। मैं बाहर निकलने की मुझे परमिशन मिल नहीं रही है। मेरे मॉम डैड मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। मैं बस एक बार बाहर गया था सामान लेने के लिए, मुझे अलाउ किया और तभी बाकायदा सब मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, और 15 मिनट में मुझे वापस फ़ोन आ गया कि अगर सामान नहीं मिल रहा, टाइम लग रहा है, फिर से आ जाओ। पर नसीब से मुझे मिल गया था। तो बस वही था। और बाकी मेरा रूटीन है कि रूटीन थोड़ा एक्चुअली बिगड़ गया है। रात को मैं जागता हूँ, सुबह सोता हूँ, बड़ा अजीब सा हो गया है। बट आई एम ट्राइंग अभी फिलहाल। तो जैसे ये फेज टू जब आया लॉकडाउन का, तो पहले कुछ दिनों में आई हैव ट्राई टू स्लीप अ बिट अर्ली। वो हो नहीं पाया है, बट इवेंचुअली अब हो जाएगा। मुझे, मैं ट्राई कर रहा हूँ, एफर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर दिस जब शूट स्टार्ट होगा तो वापस 7 बजे की शिफ्ट होंगी या 9 बजे की शिफ्ट होंगी। तो आई हैव टू लाइक गेट अकस्टम टू दैट अगेन। तो धीरे धीरे उसकी कोशिश में होंगी वापस सब ठीक हो जाए। कुछ हॉबीज है आपकी, क्योंकि हम, आपने भी जैसे शूटिंग का जिक्र किया, 12 घंटे शूट करते हो, कभी डे नाइट भी होता है जब नए शो की शुरुआत होती है, जी तो शायद आप कभी फोकस नहीं कर पाते उन हॉबीज पे जो इस दौरान अचानक से पूरा वक्त मिल गया, तो कुछ आपने कोशिश की हो उन दौरान अपनी हॉबीज को जीने की वापस? तो हॉबीज मतलब समय, मैं पोएम्स पहले लिखता था, तो मैं पोएम्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग अ फ्यू पोएम्स। बाकी मैं फ्लूट बजाता था पहले, वो छूट गया था। तो आई एम गेटिंग बैक ऑन माय हैंड्स, बैक ऑन द फ्लूट। और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरी एग्जाम्स जब भी आएंगे, अब एक्चुअली अप्रैल में होने वाले थे बट वो भी पोस्टपोन हो चुके हैं। तो जब भी अब हो, जून जुलाई, उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? आपके मैं कांजी एग्जाम में? फिजियोथेरेपी पढ़ रहा हूँ। ओह, शूटिंग के साथ साथ अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, कैसे सारी चीजें मैनेज हो पाती है प्रविष्ट? ये मतलब बहुत इस सवाल का मुझे सही जवाब शायद, या तो यही सही जवाब है या तो मुझे पता नहीं। मैं इस सवाल का यही जवाब देता हूँ कि शूट का मैनेज हम करते नहीं, मैनेज हो जाता है। जैसे इफ वी आस्क आवर मदर्स कि वो कैसे मैनेज करती हैं इतनी सारी चीजें। अगर हम, जैसे अब मैं घर पे रह रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि कितनी सारी चीजें, अब मैं घर पे रहता हूँ, देखते हैं कि कितनी सारी चीजें लाइक द मदर्स हैव टू मैनेज। तो अगर हम अपनी मम्मी को पूछे कि आप कैसे कर लेती हो, तो उनके पास भी कोई खास जवाब नहीं होता। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे ऐसे करके मैनेज हो जाता है, इट जस्ट हैपेंस। तो ये भी है कि इट बिल्कुल हैपेंस, जस्ट पुट इन योर बेस्ट। तो आई एम ट्राइंग टू पुट इन योर बेस्ट। आई डोंट से दैट आई हैव पुट इन माई बेस्ट, एंड आई होप एंड आई विश द बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई विल पुट इन एफर्ट्स फॉर दैट। पर बस करते जाओ और हो जाता है। मतलब और कोई तरीका मैनेज करने का तो नहीं, मुझे नहीं पता। ओके। शूटिंग की बात करें, टेलीविजन के करियर की आपकी बात करें, तो जर्नी काफी अमेजिंग रही है। चाहे शोज की आपकी बात करें, कहां हम कहां तुम, उसके पहले भी आपने सोनी सब पे शो किया, और उसके बाद कलर्स पे एक अपना शो अभी आप कर रहे हैं, और लोग इतना प्यार दे रहे हो शो को, क्या कहेंगे प्रविष्ट? हाउ डू यू फील? तो वो शो भी मेरे अपने ही थे, उनको भी मैं जितना इसे अपना मानता हूँ, उनको भी उतना ही अपना मानता हूँ मैं। एंड जितनी अहमियत उन शोज की मेरी जिंदगी में रही है, उतनी ही अहमियत इस शो की भी है। हाँ, इस शो का मुझ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें मेरा कैरेक्टर थोड़ा और प्राइमरी है। तो और इसमें मेरी मेहनत और दिखेगी, और मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी इस शो में। तो दैट्स द गुड पार्ट। एंड आई फील वेरी लकी टू प्ले अनिरुद्ध इन बैरिस्टर बाबू, एंड आई फील वेरी लकी टू गेट दिस शो। और जर्नी मतलब अभी मुझे लगता है कि अभी भी शुरुआत ही मानता हूँ मैं इस जर्नी को, इस मतलब बैरिस्टर बाबू को भी मैं एक शुरुआत ही मानता हूँ। आई वोंट से कि ये बहुत एक कोई पड़ाव है। हाँ, ये शुरुआती पड़ाव है, मैं यही कहना चाहूँगा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी टू गेट दिस शो एंड प्ले अनिरुद्ध।
और टीआरपी की अगर बात करें टीआरपी की, तो हमने देखा कि लॉकडाउन के वक्त आपके एपिसोड चल रहे थे थोड़े दिन, क्योंकि शूटिंग्स भी हुई थी आपकी, और हमने टीआरपी जब देखी तो शो की बाकी चैनल्स पे रिपीटेडली शोज और दूसरे शोज आ रहे थे, आपका जो फ्रेश एपिसोड आया था 2.1 ही थी, मतलब लोग उतना ही प्यार दे रहे आपके शो को. हाउ डू यू फील? आई फील वेरी हैप्पी. एंड टीआरपी तो खैर नंबर्स हैं, कभी साथ दें कभी शायद ना दें. आई होप एंड आई प्रे कि हमेशा दें, और आप भी यही प्रे करिए कि हमेशा दें. एंड मतलब बट आई डोंट फील कि उन नंबर से बहुत फर्क पड़ना चाहिए, पड़ता है क्योंकि इन द एंड इट इज बिजनेस समवेयर, पर जी जी. उस चीज को हमें बहुत अफेक्ट, मतलब एज एन एक्टर, मतलब मैं एक्टर बनने की कोशिश में हूँ, उस कोशिश में मैं मानता हूँ कि नंबर्स को फिलहाल तो अफेक्ट खुद को ना करने दूँ, आगे जाके जरूर होंगे एंड होने चाहिए भी, बिकॉज आर्ट और कॉमर्स का एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए. फिलहाल मैं मानता हूँ कि कॉमर्स बैलेंस हो रहा है, जैसे आपने कहा नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो आई जस्ट प्रे एंड विश कि नंबर्स ऐसे बने रहें, एंड आई होप कि मैं और मेहनत करूँ आर्ट वाले कॉन्टेंट पर बढ़ाने के लिए, और कॉमर्स फिर खुद ही बढ़ता रहे. ग्रेट. वैसे शूटिंग्स की बात करें, आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो लोगों को पसंद आ रही है, ऑफ स्क्रीन कैसा शूट पे माहौल होता है सभी के साथ, आपके कोस्टार्स के साथ, और किस तरह से शूटिंग होती, कितना मजा आता है? माहौल बड़ा बढ़िया होता है, बोंदिता है, बोंदिता बड़ी क्यूट है, तो उसे क्यूट है, उसे गुस्सा बहुत आता है, तो उसे परेशान करने में मजा आता है, तो आधा दिन उसे परेशान करने में गुजर जाता है, बाकी आधा दिन शूटिंग करने में गुजर जाता है. और बाकी हमारे सेट पे भी बहुत, इट्स अ वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा अच्छे से कहूंगा तो नजर लग जाएगी, मैं बहुत अच्छे से नहीं बट बड़े साधारण शब्दों में कहूंगा कि माहौल अच्छा है सेट पे, इट्स फन लविंग. ग्रेट. और काका जी इलेक्ट्रिक लोशन, काका ऋषि भैया, और विद चंदन भैया हुज प्लेइंग बिनॉय, या सोमनाथ के साथ, अभी हमारे बट्टू का आए हैं, सौदामिनी आई है, और मुंशी जी का पूरा परिवार है, तो इट्स फन टू शूट विद एवरीवन. वाओ. कलर्स की अगर बात करें तो हमेशा वुमेन ओरिएंटेड शोज उन्होंने बनाए हैं वुमेन की राइट्स के लिए, और ये शो भी उसी चीज को प्रमोट करता है बहुत ही अच्छी तरीके से, एक इम्पैक्ट देता है, सोशल मैसेज देता है, एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस शो. कलर्स के फेस हो, हाउ, किस तरह से मतलब ये शो मिला है, किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई आपकी बैरिस्टर बाबू की अगर बात करें तो? दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो कलर्स हमेशा से करता है about promoting women's right and women's status in the society. इसकी बहुत जरूरत है. बहुत समय से women didn't get the status and the respect which they deserve, which they've always deserved. मिलता भी था पर majority में नहीं मिलता था, जैसे हर कोई नहीं देता था, और इस चीज़ को करते रहना बहुत ज़रूरी है, and colors कर रहा है. A big congratulations and a big thank you to them कि society में ऐसा initiative लिया है colors ने. And again, I'm very lucky to be a part of this initiative, to be a part of this drive. And about getting the show, ये show जैसे हर actor को मिलता है auditions के through, मुझे भी auditions के through ही मिला. And again, I would say, जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ अभी तक, मैं फिर से यही बोलूँगा कि I'm very lucky to play barrister, play Aniruddin barrister Babu. Barrister Babu का जो theme है, बहुत अभी के समय में ज़रूरी है, क्योंकि शायद show अभी में, अभी के समय में set नहीं है, थोड़ा सा पहले का है, पर परेशानियां और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं सिमिलर लाइंस पे ही हैं आज भी. मतलब इफ आई से कि कास्टिज्म नहीं है, आउट दी लाइन शायद शहरों में कम है, पर शहरों में नहीं है ये भी नहीं है, तो उस कास्टिज्म आज भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी है. मुझे खुशी इस बात की है कि अ फीमेल इज टेकिंग माई इंटरव्यू, एंड बट अगेन वाई डू आई नीड टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट अरे वाई इज इट सो डिफरेंट. And why is it so like making me happy a female is taking my interview? It should be very normal ki haan, a female is taking my interview. Any which way, I'm very happy about that. Aur hamare set pe bhi, hamare har department mein we have a female. So I'm very happy about that also. To jaise hypocrisy nahi hai, jaise agar hum women's status ko badhawa de rahe hain, to hamare set pe bhi har department mein we have women working and being respected on the set. To ye hai matlab. And I feel very happy to be a part of the entire initiative. इस लॉकडाउन के दौरान कौन सी चीज आप ज्यादा मिस कर रहे हो बाहर जाने के बाद, जो आप करते हो शूटिंग या फिर जो भी?
मिस तो मैं बहुत चीजें कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को मिलना मिस कर रहा हूँ, मिस मैं उन्हें मिल नहीं पा रहा हूँ, बाहर का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, वो मतलब घर पे बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, बट बाहर वाला जो स्वाद वो अलग ही रहता है, वो बाहर की पता नहीं उन लोग कैसे बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, घर पे भी अच्छा बन रहा है, मैं जो जो भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बन जा रहा है, एडिबल है, खाने लायक है, पर बाहर का जो मजा है वो नहीं है। अच्छा, आपकी जो पहले शो के को एक्टर्स हैं, आपकी पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं, मनीषा हो, अपर्णा हो, उनको कितना मिस करते हो, उनके साथ किस तरह से कनेक्शन है, अभी तक भी कनेक्शन बनाया है, अगर बात करें तो आज भी होती है, अभी दो दिन पहले उनसे बात हुई, मनीषा दीदी अभी दिल्ली में है, अपर्णा तो खैर मुंबई में ही है, बातचीत सबसे होती रहती है पर मिल किसी को नहीं पा रहे, और मतलब पहले हम खुद को ऐसे कहते थे कि अरे यार बहुत बिजी है मिल नहीं पा रहे, अब है कि यार बिजी नहीं है पर फिर भी नहीं मिल पा रहे, जिंदगी का एक और पड़ाव शुरू करें, काफी कुछ सीख गए हैं लोग लॉकडाउन में रह के, पेशेंट रहना सीख गए हैं, और घर वालों के साथ कैसे शांति से कॉर्डली रहना चाहिए, जैसे पहले झगड़े कर लेते थे और अगले दिन तो जाना ही है बाहर, स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं ना कहीं जाना है तो झगड़े कर लेते थे, अब ये कि भाई झगड़ा करोगे तो कल तो यहीं रहना है, उन्हीं लोग के साथ रहना, तो कब तक झगड़ा करोगे, तो काफी कुछ लोग सीख रहे हैं, पेशेंस सीख रहे हैं, हाउ टू कोऑपरेट वो सीख रहे हैं, और ये सारी स्किल्स आगे जाके काम आएंगी, तो कोरोना हमको काफी कुछ दे के भी गया है। और शूटिंग करना, शूट करना कितना मिस कर रहे हो आप अपने काम को? मतलब मेरे लाइफ के 12 घंटे जो 12-14 घंटे जो हम शूट करते हैं वो मुझे अधूरे लग रहे हैं, कि मतलब अरे शूट करने के टाइम पे ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अरे यार बहुत ज्यादा शूट हो गया, कितना समय हो गया, पैकअप अब होना चाहिए, वो रहता था, अब रहता है कि अब पैकअप नहीं है, अब तो शूट करवाओ आप मुझसे दिन भर, मतलब वो हो गया, अब आई एम क्रेविंग टू शूट नाउ। ग्रेट। और क्या कुछ चीजें एक्सपीरियंस की है, आपने पोएम का जिक्र किया, अगर कुछ हमारे साथ शेयर करे वो चीजें, दो लाइनें कुछ अगर दो लाइनें तो मैं अभी एक कोरोना पे लिख रहा था मैं एक पोएम। वाव वाव। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो मैं उसपे मतलब धीरे धीरे करके डालूंगा, खैर मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, एक जो है वो आज मैं डालने वाला, तो वो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो आज डाल ही दूंगा यूट्यूब पे, पर जो कुछ समय बाद डालने वाला हूँ उसको कंप्लीट अब तक किया नहीं हूँ पर शुरू कर चुका हूँ। तो इट गोज लाइक, बात पते की करेंगे आज, इंसानियत पर इंसानियत पर गिरी है जो कोरोना नाम की गाज, गाज यानी थंडरस्टॉर्म बिजली, तो बात पते की करेंगे आज, कोरोना पर पड़ी है जो कोरोना नाम की गाज, बातों में ना होगी कोई सज्जा ना साज, इंसानों का तो कुछ भले इंसान कर ही रहे हैं, चलिए आज कोशिश करते हैं कि हो इंसानियत का इलाज। तो जब सिचुएशन विकट कोई आती है और परेशानियां निकट बुलाती है, तब दिखता है हम इंसानों को सभी को असली रूप, अंधेरे में कई रंग छिप जाया करते हैं पर दिखते सारे जब निकलता धूप, अब ये कौन से रंग दिखते हैं ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा। तो इसमें बेसिकली जैसे हम काफी अच्छी चीजें हो रही है कोरोना के समय में, लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों को, काफी कुछ है, बट काफी कुछ नॉट सो गुड चीजें भी हो रही हैं, तो मेरी इस कविता में मैं उन नॉट सो गुड चीजों को, उन छोटी छोटी कहानियों को डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे हम बड़े ऊपर ही लेवल से देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर्स सब मेहनत कर रहे हैं, पुलिस मेहनत कर रही है, स्वीपर्स मेहनत कर रहे हैं, हम हमारे घर पे लॉकडाउन है, बट एक डॉक्टर की फैमिली के अंदर क्या माहौल है वो शायद हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम उस सिचुएशन में ना जाएं। तो मैं उस सिचुएशन को सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड आई हैव रिटन समथिंग ऑन दोस लाइंस। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पोएम लाइंस आल्सो, एंड जहां तक अपने बात की, आप पढ़ भी रहे हो और एक्टिंग भी कर रहे हो, तो इज एक्टिंग योर हॉबी, और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई के साथ एक्टिंग में भी करी, या फिर कब ख्याल आया कि एक्टिंग भी मुझे करनी चाहिए, क्या कुछ है अगर आप शेयर करें इससे जुड़ी चीजें? तो एक्टिंग तो मैं बचपन से करता रहा हूँ, मम्मी की मार से बचने के लिए एक्टिंग शुरू की थी, अब तक एक्टिंग करता रहा हूँ एंड कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी बेहतरीन तौर से एक्टिंग कर पाऊँ, मतलब मम्मी को पता चल जाता था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ
मैं अब उतनी एक्टिंग करना चाहता हूँ कि मम्मी को पता ना चले कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ. ग्रेट ग्रेट. मतलब ऐसे बचपन से आपका सब कहते ना एक सपना होता है मुझे हीरो बनना है, आई वांट टू बी एन एक्टर. क्या कुछ एम थे दिए थे जो, और प्रवेश अगर आपकी बात करें तो. तो मेरा सपना तो मैं जो मूवी देखता था मुझे वो इंसान बनने का शौक था. अगर मैंने जब मैंने इकबाल पहले आई थी, इकबाल देखने का मुझे क्रिकेटर बनने का मन किया, फिर चकदे इंडिया का हॉकी प्लेयर बनने का मन किया, फिर रॉक स्टार के बाद मुझे म्यूजिशियन बनने का मन किया. तो ऐसे ऐसे मेरे प्रेफरेंसेस बदलते गए. कभी आई डोंट रिमेंबर द मूवी, पायलट बनने का मुझे मन किया था. तब मैंने फिर मैंने सोचा कि ये सारी चीजें मैं कैसे बन सकता हूँ एक साथ. मैं एक साथ तभी बन सकता हूँ इफ आई बिकम एन एक्टर एंड देन आई गेट टू प्ले ऑल दीज रोल्स. नाउ हाउ डू आई गेट टू प्ले ऑल दीज रोल्स? इफ आई एम अ गुड एक्टर ओनली देन विल आई गेट टू प्ले ऑल दीज रोल्स. तो आई एम नाउ स्ट्राइविंग टू बी अ गुड एक्टर. ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रविष्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए. एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो. यू आर इंस्पायरिंग थ्रू आउट द पीपल थ्रू दिस शो, अमेजिंग शो. एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स अ लॉट एंड बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड होप टू मीट यू सून ऑन सेट जब भी शूटिंग शुरू हो. या हमारे E24 के व्यूअर्स को, फैंस को अगर कुछ आप मैसेज देना चाहे अपनी तरफ से, यू कैन से. मैं सभी व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप भी किसी हीरो से कम नहीं है. आप जो अपने घर पे बैठे हैं, आप सिर्फ खुद ही को सेफ रख कर ही नहीं, आप बाकी सभी को सेफ रख रहे हैं. बाय बीइंग सेफ यू आर कीपिंग मेनी अदर्स सेफ एंड यू आर नो लेस देन अ हीरो. एंड जस्ट हैव द ग्रेटिट्यूड एंड कीप थैंकिंग द पीपल अराउंड यू, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हो, हमारी पुलिस हो, हमारे डॉक्टर्स हो, फिर हमारे दुकान वाले भी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी खुद की लाइफ को रिस्क करके ही हमें हमारे बिस्किट के पैकेट से लेके हमारे आटे के पैकेट भेज रहे हैं. तो उन सभी को, उन सभी के प्रति मन में एक आभार रखे, उनको थैंक करके खुद भी एहसास रखे कि हम भी किसी हीरो से कम नहीं है. स्टे होम, स्टे सेफ और हम जल्दी कोरोना को मात देंगे और फिर से देखेंगे बैस्टर बाबू रात 8:30 बजे का. हम भी बहुत बड़ा एक्साइटेड है उसके आगे के एपिसोड्स देखने के लिए, क्या कुछ होता है किस तरह से. जी 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 जी, थैंक यू सो मच प्रवेश. बाय, थैंक यू सो मच.